अलवीर एक ऐसा टीवी शो जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, और ये एक ऐसा टीवी शो था जो बच्चों को बहुत पसंद आया था, और इसी वजह से इस टीवी शो को ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार मिला था। तो अब आप यह भी जानते होंगे कि इस शो के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। चलिए जानते हैं बालवीर का कौन सा सीजन ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आप भी बालवीर देखते हो तो आपको कौन सा सीजन पसंद आया कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब आगे बढ़ते बालवीर के तीनों सीजन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बालवीर सीजन 3 जो कि अभी चल रहा है। सीजन 3 की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो सारे के सारे कैरेक्टर अभी नए सिवाय देव जैसे ने बालवीर, और इसी कारण ऑडियंस को ये सीजन शायद उतना पसंद नहीं आ रहा, और ऑडियंस भी अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है। स्टोरी कुछ खास न होने पर इसकी टीआरपी भी डाउन बहुत चल रही है, और इसका कुछ कारण और है जिसकी वजह से ऑडियंस इस सीजन से दूर हो रही है। तो चलिए पहले वो कारण जान ही लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बालवीर शो में बालवीर और परियों के रहने की जगह को हम परी लोग कहते हैं, पर वो परी लोग इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि परी लोग की जगह उदाका लोग और शशवान लोग दिखाया गया, और ये कुछ खास भी नहीं लग रहा है जैसा कि परी लोग लगता था। शशवान लोग में दिखाया गया है ओवर टेक्नोलॉजी जो इस शो में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसके मुख्य किरदार बालवीर की बात करें तो वो वाला फील नहीं जो पहले वाले बालवीर में फील था। तो जैसा कि अपने बालवीर के पहले वाले सीजन में देखा होगा, बालवीर के बोलने का तरीका काफी धासु जो कि बच्चों और ऑडियंस को काफी दीवाना बना देती थी। खैर इन्हीं सब चीजों की कमी ऑडियंस को बहुत ज्यादा लग रही है। अगर धीरे धीरे इस सीजन में इन सब चीजों को वापस लाया जाए और उसके पुराने कैरेक्टर को भी लाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और ऑडियंस भी इसे अच्छी तरीके से पकड़ भी सकती है। इससे ऑडियंस का प्यार और टीआरपी दोनों भर भर के मिल सकते हैं। अब बात करेंगे सीजन 2 की। इस सीजन में हमने बालवीर एक नहीं बल्कि दो दो बालवीर देखे, जो कि शुरुआत में तो उतना अच्छा नहीं लगा, पर दूसरे बालवीर ने अपने काम से उसे अच्छा बना दिया। और अगर इसका कंपेयर हम अगर सीजन 3 से करें तो सीजन 3 से बेस्ट सीजन 2 ही था। बात करें इसके स्टार कास्ट की तो सीजन 3 से काफी अच्छी स्टार कास्ट सीजन 2 की थी। इसमें हमने दो बालवीर के साथ परियां और डूबा डूबा भी देखे जिन्होंने इस शो को एक अच्छा रूप दिया, और नेगेटिव किरदार में भैरानी, तौबा तौबा, जबदाली और भयमार उन्होंने भी अपना 100% इस शो में दिया, और इन सभी ने ऑडियंस के दिल में थोड़ी सी तो जगह बनाई ली थी। और भैया स्टोरी भी सही थी जिसके कारण इसकी टीआरपी भी सही ही चल रही थी, पर उतनी भी अच्छी टीआरपी नहीं मिल रही। बाद में कोविड टाइम में लॉकडाउन आने की वजह से इस शो को बंद कर दिया गया, और इधर से हुआ इसका द एंड। अब सीधे सीधे आते हैं सबके पसंदीदा बालवीर यानी बालवीर सीजन 1 के। इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2012 को हुई जो धड़ल्ले से ऑडियंस के दिल में छा गई, और ऑडियंस को ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा पसंद आया, खासकर छोटे बच्चों को जो कि इनके मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठ गया था, और बैठेगा ही क्यों क्योंकि इसे प्रेजेंट ही बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। यह तो बच्चों को सच्चाई और अच्छाई का विश्वास दिलाता था, और अच्छा बनने और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता था। इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इतनी बेहतरीन स्टार कास्ट अभी तक किसी भी सीजन में नहीं है, क्योंकि इसकी स्टार कास्ट बहुत बेहतरीन और जबरदस्त थी, और यह बात आप भी खुद जानते हैं। इसीलिए बालवीर के सारे कैरेक्टर ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आए, और इसके सारे किरदार ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था, वो चाहे रानी परी हो या परिया या तो बालवीर ही। पर नेगेटिव किरदार में भयंकर परी, तौबा तौबा से लेकर सारे नेगेटिव किरदार बहुत अच्छे थे। इतना ही नहीं, चाइल्ड आर्टिस्ट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस शो को अच्छा बनाने में, इसलिए ऑडियंस ने इसे भर भर के प्यार और टीआरपी दोनों दिया, इसलिए इसके 1111 एपिसोड बने थे। फिर अचानक से इस शो को बंद कर दिया गया जिससे ऑडियंस को बहुत दुख हुआ।